देखिए चैप्टर 10 डीसी सर्किट का क्वेश्चन 5। यार ये डायग्राम दिया है और साफ दिख रहा है ये करंट आ रहा है, ये जा रहा है, या ये आ रहा है, ये जा रहा है, ये आ रहा है, ये जा रहा है, और आपको आई की वैल्यू निकालनी है। इसको मैंने अलग भी बनाया है, देखो ये आने वाला करंट, ये जाने वाला, ये आने वाला, ये जाने वाला, और यहाँ ये आने वाला, ये जाने वाला। हम सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, समेशन ऑफ करंट इन इक्वल होगा समेशन ऑफ करंट आउट के। तो इन देखो कहाँ का है यार, पॉइंट टू, ठीक है, पॉइंट सिक्स और पॉइंट सेवन, ये एरो अंदर को जा रहा है, और जिसके एरो बाहर को जा रहे हैं आउट वाला, ये पॉइंट फोर, पॉइंट फाइव और आई। तो डेयर स्टूडेंट समय क्या करना है, वैल्यू आई की निकालनी है। इन तीनों को सम किया 1.5, 0.4 और 0.5 का 0.9, 1.5 में से 0.9 माइनस कर लो, आई किसके बराबर आ जाएगा 0.6 के, 0.6 एम्पीयर ही आपका गया है बच्चों आंसर।